अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल कुलियाते अनवर मसूद सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा ताल्लुक गुजरात से, गुजरात से है। 1940 में ये ज़माना था, उस ज़माने में दूसरी जंगे अजीम हो रही थी। मेरे वालिद मोहतरम गुजरात से उठे और लाहौर आ गए कारोबार के सिलसिले में। वो सनतकार थे। मेरा ताल्लुक गुजरात की उस सनतकार फैमिली से है जिसने सबसे पहले पंखे बनाए बिजली के। मैं बिजली के फैंस नहीं बनाए, मैंने और तरह के फैंस बनाए। मैंने और तरह के फैंस, और शुक्र है अल्लाह का। आपने सुना होगा यूनस फैन। यूनस मेरे वालिद साहब के चचाजाद भाई थे। और फिर जब मैंने दो वाक्यात मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो ये है कि मैंने आपके लिए हैरत की बात होगी, कायदे आजम को देखा है। इस्लामिया कॉलेज में 1946 में, और जब वो जलसा मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर हो गया, अचानक आदम के उसमें अल्लामा मशर की, और उन्होंने कहा जी मैं भी खिताब करूंगा, तो कायदे आजम ने मुझे, मेरे अब्बा जी ने मुझे अपने कंधों पे उठाया हुआ था, और ये मंजर मेरी जो मेमोरी है उसका बहुत कीमती असासा है। तो जब मैंने देखा कायदे, वो फिर कुछ बदमजगी सी, उन्होंने कहा मैं तकरीर करूंगा। कायदे आजम ने कहा ये मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म है, आप कैसे तकरीर करेंगे। उन्होंने कहा जी मेरी भी कौम है, मैं भी करूँगा। तो कायदे आजम ने कहा अगर आप ये ऐलान करना चाहते हैं कि मैं मुस्लिम लीग में शामिल होता हूं तो बिस्मिल्लाह, वरना खाकसारों को इकट्ठा कीजिए तो आप तकरीर कीजिए। तो बहरहाल इब्तिदा में गुजरात वो जो है स्कूल वसनपुरे में, मैं लाहौर मुंतकिल हो गए थे, वसनपुरे में मैंने, वसनपुरा आप जानते मिस्री शाह के पास है, और उसके आगे फिर एक दिन पता नहीं मुझे क्या, मैं अभी 10-11 साल का था, तो मेरा दिल चाहा, पता नहीं मुझे अजीब एक उठा जज्बा, मैं जून की गर्मी थी, अल्लामा इकबाल के मज़ार पे चला गया, और वहाँ मैं जाके शाही मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ गया। और ये मेरा ये चश्मदीद है वाकया कि मैंने देखा कि दूर से एक बादल का टुकड़ा देखा, एक क्लाउडलेट, एक अब्र पारा भागता चला आ रहा है, मुझे अब तक याद है। और वो आके हजरत अल्लामा के मज़ार पे ठहर गया, और फिर वो रिम झिम नम नम बरसने लगा है। मैंने मज़ार के पास जाके देखा तो कोई बूंद मज़ार के बाहर नहीं गिरी, और फिर वो थोड़ी देर बरसा है, वहाँ से निकल गया, वो चला गया। और फिर मुझे उस जमाने में भी अल्लामा का वो शेर याद था जो उन्होंने अपनी माँ के बारे में कहा था, आसमां तेरी लहत पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए सब्ज़ाए नौ रुस्ता इस घर की निगे भागी। तो बचपन से ही मुझे इन दोनों हस्तियों से बड़ी अकीदत रही है। इसका इजहार मेरी शायरी में बार बार हुआ है, बल्कि एक कथा याद आ रहा है बोगिया साहब जिसमें दोनों का जिक्र है। हकीम ओ शायर है मशरिक से अनवर, मैंने जब पूछा कि इजमालन है क्या दर्स हयात कायदे आजम, जवाबन हजरत इकबाल ने इरशाद फरमाया यकीम कम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे वालिद साहब, फिर कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ तो उसमें वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो, और उनकी पर एक मजजूबियत की कैफियत तारी हो। वो इकबाल का शेर है, मिसरा है,
तड़पने फड़कने की तौफीक दे। और वाकई मैंने उनको तड़पते फड़कते हुए देखा है। मस्जिद में जाते थे तो उनके तड़पने फड़कने से सफ़ेद दरहम बरहम हो जाती थी, और उन्हें फिर ये जिस किस्म का तसव्वुफ है ये उन्हें लाहिक हो गया है जी। और फिर उन्होंने दुनियावी जो मामलात से वो बिल्कुल उससे ताल्लुक हो गए, और सारे घर के जो थे जिम्मेदारियां वो मेरे कंधों पर आ पड़ी। और वो वक्त मैंने जिस तकलीफ में गुजारा है कि मुझे एक शेर याद है, मुझे उस शेर से डर लगता है जी, कब तक लिए फिरूंगा यूं ही कत्लगाह में, जख्मों के इंतजार में दुखता हुआ बदन। ये जख्मों के कब तक लिए फिरूंगा यूं ही कत्लगाह में, जख्मों के इंतजार में दुखता हुआ बदन। अक्सर मैंने उन्हें दो शेर ही पढ़ते देखा है अपने वालिद मोहतरम को, और वो शेर एक तो था पंजाबी का बुले शाह का के कर चोरी ते पन कर रब दा, उस ठगा दे ठग नू ठग ओए बुलिया है जी। एक ये शेर और एक कमाल का शेर उर्दू का पढ़ा करते थे, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है, वहशते दिल है बहुत वुसते सहरा कम है, वहशते दिल है बहुत इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है, वहशते दिल है बहुत वुसते सहरा कम है। अब मैं वालदा मोहतरमा का भी जिक्र करना जरूरी है। उनको जबान से बहुत दिलचस्पी थी, मुताले का बहुत शौक था, स्कूल में नहीं गई थी लेकिन किताबें पढ़ती थी। एक दिन मुझे कहने लगी, अनवर तू फूफी दे घर गया है, मैं क्या तुहानू किने दसिया, ए जरा लफज बोले ही ना उन्हां दे घर बोलिया जा। याद नहीं हुण। और भी बहुत सी बातें, ए लफ्ज उन्हां दे घर, लफ्ज से मुझे शुरू से एक दिलचस्प। देखो जी, हमारा तो अकीदा ये है एक लफ्ज से कायनात वजूद में आई है, बस लफ्ज से ज्यादा एनर्जी किसी चीज में नहीं। किसी को शाबाश देख के देख लीजिए, किसी को गाली देख के देख लीजिए, नहीं 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 तो मैं वैसे मिसाल देती ते मतलब लफ्ज की तासीर। मैं पे लंगा गली चो छोटा जा एहसान साहब, ते एक जनानी थी बतख ओदे घरों निकल पई, ते मैनू कहंदी काका, मैं उदों काका ही सी और हुण भी काका वा के बुढ़ा बच्चा इको जिहा हुंदा। उहने आखिया काका इस बतख नू डक लै, मैनू कोई बतख नाल दिलचस्पी नहीं, बस इन्ना मैं उन्होंने आख्या बीबी डक मैंने भी बतख ही होंदा ही। अब एक बात है जो बहुत अहम है करने की, कि मेरी ये तरबियत शेर की कहाँ से हुई, मेरा सोर्स ऑफ ये जो इंस्पिरेशन क्या था, मेरी नानी मोहतरमा साहिबे दीवान थी, साहिबे दीवान थी, करम बीबी तखल्लुस नाम था, आजिज उनका तखल्लुस था, है जी दीवान है, गुलो गुलजार के नाम से मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। तो उसमें ज्यादातर नाते हैं, मनकबते हैं, वो छोटी उम्र में बेवा हो गई, और फिर उसके बाद उनके छह थे बेटे, मेरे छह मामू, पांच बचपन में फौत हो गए, और एक मामू ऐसे थे जिन्हें जो बाकी रहे उन्हें गैंग्रीन हो गई। मैंने देखा उनका पहले एक ये पांव कटा अस्पतालों में, फिर उनका ये टांग कटी, फिर दूसरी टांग कटी। मैंने देखा 1952 में ना उनके दोनों बाजू थे ना उनके दोनों टांगे थी। मेरी नानी का शेर है, आ कहीं पिंडली कहीं घुटना कहीं बाजू कटा, मेरे दिल का टुकड़ा आए टुकड़े टुकड़े यूं हुआ। ये मेरी नानी मोहतरमा है।
हैं जी, और इतनी दर्दमंद खातून थी, आखिरी उम्र में ना फेफड़े ठीक, ना दिल ठीक, ना वो कुछ भी ठीक, जिगर ठीक। तो कहते थे डॉक्टर, ये खातून कुरान की बरकत से जिंदा है, लोग उन्हें उस्तानी साहिबा कहते थे। तो एक अपनी नज़म अक्सर पढ़ा करती थी, उसका मतलब मुझे याद है कि जद गल विच कफनी पावेंगी, मुड़ केड़ी जात कहावेंगी। और आप हैरान होंगे, वो वलीउल्लाह थी। एहसान साहब, जब उनका इंतकाल हुआ है तो वो रमज़ान शरीफ का महीना था, और जो लैलतुल कद्र थी, जुमे का दिन था, सहरी का वक्त था। तो वो वली अल्लाह, तो मैंने कहा नहीं कि मुझे दुआएं हासिल हैं जी, उनकी बातें हैं। फिर मेरे एक थे ताया जान, वो मेरी तरह उर्दू फारसी पंजाबी तीनों जबानों में शेर कहते थे, और इसके साथ साथ वो मिजाहिया शेर भी कहते थे। उनके दो तीन शेर मुझे याद हैं, उनकी उन्होंने मेरी बड़ी तरबियत की है इस सिलसिले में। एक उनका कता है एहसान साहब, संजीदा, के दर्द में जीस का हासिल पाया, मौज ने रक्स में साहिल पाया, जिंदगी क्या है तड़पना पै हम, हर दिले जिंदा को बिस्मिल पाया, हर दिले। ये उनका उर्दू का कलाम है, और पंजाबी का कलाम दा सुनो, नवी नवी शादी हुई, मैं बोलता सा ओ सुनदी सी, ओ विच कदी ना बोली सी, ओ बोलती सी मैं सुनदा सा, मेरी जीबा गुंगी बोली सी, हुण दोवे कट्ठे बोल ले हां ते सुनदा कुल महला है, कोई कहंदा है हो चलिए, कोई कहंदा है ए हो चला है। और आपको मैं उनकी एक बड़ी दिलचस्प नज़्म, सिर्फ एक शेर सुनाऊंगा, वो एक छोटी सी कहानी है किश्वत के। एक बंदा बाहर जाता है जंगल च गोबर चुनने के लिए, पुराने जमाने का वो गोए, जिन्हें तुसी गोए कहते हो जी, उपले कहते हो जी, और थापियां कहते हो, पाथियां कहते हो, थापियां पाथियां गोए गोबर, बहरहाल वो एक ढेर लाता है बाहर जाके, ते अगर जाके को ढेर लाता है, पिछा आता है तो पहला ढेर ही गैब, तो सोची पै जाता है, फलसफी सी आंदा, या तो कोई गोह लै गया है, ते या मैं ही हो नहीं, या तो गोह कोई लै गया है, या मैं ही हो नहीं। और इस दी ओ करने आया तस्दीक अपने घर के मैं वो है कोई नहीं, उसने दरवाजा खटखटाया, बेटी बाहर आई तो उन्हें कहता है तुम्हारा बापू कहाँ है, वो कहती है तू है मेरा बापू है, भुलेखा काढ़ा पै गया है, आंदा जे मैं ही तेरा बापू हाँ तो गोए कोई लै गया। अच्छा, एक दिलचस्प बात, फिर हम 47 से पहले गुजरात वापस आ गए हैं जी, और वहाँ एक दिलचस्प बात बताऊं कि मैं जिस मोहल्ले का रहने वाला हूँ उसी में पीर फजल रहते थे, पंजाबी के बहुत बड़े गजल आप जानती हैं, हैं जी, फजल हो रहा ने पंजाबी दा बदल दिता है रंग, या इलाही दौरे हाजिल ते गजल खाना दी खैर, मेरे भी कशकोल विच खैर वार आपू खैर पा, तेरे दर्दी खैर तेरी खैर दरबाना दी खैर। उनके वो शेर सुने हुए होंगे, मैं केड़ी अपनी दर्दां दी दुनिया विच वसां की दसां, किस गले पईयां चेहरे ते रो रो के लसां की दसां, रंग खुला मेरी, किश्वर शेर सुना, रंग खुला मेरी वैशदा हो कट्ठे कुछ हम दर्द गए,
ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਪੁੱਛਣ ਹਾਲ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਤੋ ਵੋ ਇਤਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਥੇ, ਬਸ ਐਸੇ ਏਕ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਥੇ। ਮੈਨੇ ਉਨਸੇ ਪੂਛਾ, ਪੀਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਦਾਵਤ ਕਰੂੰ, ਆਪ ਕਿਆ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਖਾਣੇ ਮੇਂ। ਕਸਮੇ ਅਨਵਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਪਸੰਦ। ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਯਾਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਆ, ਬਨੈਨ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ, ਉਲਾਣੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਸੌ ਗਏ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਥੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਹੋਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੂੰ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਥੇ ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਥਾ ਉਰਦੂ ਕਲਾਸ ਮੈਂ, ਤੋ ਇਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਮੁਸਫ਼ੀ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਔਰਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਤੀ ਥੀਂ, ਤੋ ਉਨਕਾ ਸ਼ੇਰ ਥਾ, ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋ ਇੱਕ ਕਿਸ ਕਿਰਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਲੁੱਗੀ ਕੀ ਸੱਜ ਦਿਖਾ ਕਰ ਸਕਨੀ ਨੇ ਮਾਰ ਡਾਲਾ, ਜਬ ਕਦ ਕੋ ਮਸ਼ ਕਾਂਧੇ ਪੇ ਮਸ਼ਕ ਧਰਪ ਕਰ, ਜਬ ਕਦ ਕੋ ਹਮ ਖਰੇ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਾ ਹੁਸਨੇ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਦੁਬਾਲਾ। ਮੈਨੇ ਉਸੀ ਵਕਤ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਕਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇ ਕਾਮਨੀ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰਤਾ, ਭਰਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਸੇ ਆਗੇ ਜਾਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਲਾ। ਤੋ ਇਹ ਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਥੇ ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਵੀ ਥੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਥੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਥੇ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਾਤੇਂ ਯਾਦੋਂ ਕੇ ਇਤਨੇ ਦਰੀਚੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੋਲਤਾ ਰਹੂੰ ਤੋ ਵੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੇ। ਹੈਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਥੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ, ਜਿਨਸੇ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਫਾਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਮੁਝੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਥੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਸਕੋ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ। ਵੋ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ, ਮੈਂ ਉਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਥੇ, ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੇ। ਮੈਨੇ ਗੈਲਰੀ ਥੀ, ਮੈਨੇ ਤਮਾਮ ਲੜਕੋ ਕੀ ਕਿਤਾਬੇ ਇਕੱਠੀ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿਆ, ਦਰੋ ਧਮਾਕਾ ਹੁਆ, ਉਨਕਾ ਮੂੰਹ ਬੋਰਡ ਕੀ ਤਰਫ ਥਾ, ਜੋ 51 ਗੈਟ ਆਊਟ ਫਾਰ 3 ਵੀਕਸ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਥਾ 251, ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਹੈਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ। ਵੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਤੇ ਥੇ ਕਿਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਾ ਬਾਤ ਕੈਸੇ ਕਰੂੰ, ਉਨਕੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪੇ ਚਾਕ ਲਗੇ ਹੋਏ ਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪੇ ਚਾਕ ਲਗਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਅਬ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰੀ ਆਲੂਦਾ ਦਾਵਨੀ ਕਾ ਗਿਲਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਮੁਝੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਹੈਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਸੁਣੀਏ, ਵੋ ਕਦਰ ਕਰਤੇ ਥੇ ਜ਼ਹੀਨ ਬਾਤ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਮਟ ਕਰ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਵੋ, ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਤੁਲੂਏ ਆਫਤਾਬ, ਸ਼ਮੇ ਤਾਸੀਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਕਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਆ ਉਨਵਾਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਯਕੀਨ ਕੀਜੇ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਹਿਰੀ ਕੇ ਵਕਤ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਦੇਖਤਾ ਥਾ ਕਿ ਸੁਬਹਾ ਕੈਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਲੂਏ ਆਫਤਾਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਿਸ ਆਤਾ ਥਾ ਜਬ ਮੈਂ ਸ਼ਬਨਮ ਕੇ ਕਤਰੋਂ ਮੇਂ ਸੂਰਜ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲੇਤਾ ਥਾ। ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਔਰ ਜਬ ਮੈਨੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਾ ਤਾਸੀਰ ਫਸਟ ਆਈ, ਔਰ ਵੋ ਲੋਕ ਹਮੀਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਕਹਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਸੱਚ ਏ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਤੋ ਵੋ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਮੈਨੇ ਵੋ ਲਿਖੀ। ਤੋ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਗਏ ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ, ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ ਗਏ, ਔਰ ਵੋ ਜਬ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਫਸਟ ਆਈ ਤ
तो वो लाहौर में इस तरह फिरते थे जैसे लाहौर को फतह कर लिया है, ये इतनी मोहब्बत थी उन्हें। तो वो चौधरी फजल हुसैन साहब इस तरह फिरते थे लाहौर में जैसे लाहौर फतह कर लिया। वो उन्होंने फारसी पढ़ाते थे, मैनू आने तू केड़ी दल दल च फसे है मेडिकल च, ये की डड्डू जी ने पिया आ जा आर्ट्स में मुझे ले गए। और फिर मैं हर मजमून में फर्स्ट आता रहा, वो मुझ वो इतना। और असल में उन दिनों मैंने एक नज़म लिखी थी अपने हमसायों की बहस पर, ये वो नज़म नहीं आज है जी, हाँ ये वो नज़म नहीं, ये और नज़म है, दूजी नज़म, इस नज़म ने छुपाने वास्ते लिखी थी। मुझे कहते थे तुमने भैंस का मुताला बड़ा किया। बहरहाल वो जो थे जिनकी भैंस पर नज़म लिखी, दूसरे दिन वो आकियां लेके आ गए, अनवर मसूद ने ऐसा मारना है इन्हें, साड़ी माज ते नज़म क्यों लिखी। और फिर साड़ी सुलह हो गई, और वो एक मौके पर एक बंदे जमा हुए और हमने एक फंक्शन की जिसका नाम रखा पोइम टीयरिंग सेरेमनी के नज़म फाड़ने की वो सेरेमनी। तो उन्होंने तो कर ली, लेकिन मैंने दूसरे दिन जाके फिर सुना दी। तो वो मुझे किसी ने कहा सुना है आपने मोहब्बत की शादी की है, तो मैंने उसे कहा क्या नफरत की करनी चाहिए। कैसी बात भाई, हमने हम दोनों ये बात चैप्टर भी मैं बता दूं, हम दोनों क्लास फेलो थे फारसी में है जी, और हमने एक दूसरे को पसंद किया। फिर हमारी शादी जो है वो अरेंज्ड मैरिज हुई, बाप वालदैन की, बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन गलत है आपकी। तो वो बाद में, अच्छा ये है इसका सबूत मैं किशोर को बताता हूँ कि अभी हमारी मेरी किताब शाया हुई है सिद्दीका अनवर के नाम, इसमें वो तमाम खतूत जन शादी मंगनी किसे ले के शादी तक के खतूत मैंने वो इन्होंने संभाल के रखे हुए थे, मैंने नहीं जी, लेकिन वो यक तरफा खतूत हैं, मैंने इनको खुदू, लेकिन वो ज़माना और था, बहुत ही याद आपका, बड़ा मशरकी सा ज़माना था। तो वो आप खात पढ़े तो आपको महसूस होगा। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे इनका जो साथ हुआ मिला है उसने, जब जब मेरी शादी हुई किसी ने कहा, आप हैरान होंगे बाज़ लोगों को, मैं डेरा गाजी खान में था तो एक नजूमी आते वो जायचा लिखता था, उसने मेरा जायचा लिखा, ये सन 1965 की बात, सड़सठ वेखन उर्दू की वक्त है, सड़सठ क्या मुसीबत साड़ी पंजाबी ठाठ, क्या सबका काम है जी, इन्हें चाहिए हमारी पंजाबी की गिनती जो है वो अपना ले हैं जी, चंगे पले टुरदे होंगे ने ते 51-52 ये क्यों हो गया भाई, जो सीरी आई है जो अशरा 51-52-53 चाहिए वो रहना चाहिए, ये फिर बात होगी। इनके आने से मेरी जिंदगी में माशाल्लाह जो वो सारे दुख थे वो ख़त्म हो गए, और अल्लाह ने बड़ी नेमत है कि ये भी फारसी पढ़ाती रही, प्रोफेसर रही हैं, और अब माशाल्लाह इन्हें दिलचस्पी अगर है तो कुरान मजीद पढ़ाती हैं वो जी। ये मेरी उस्ताद है। अच्छा जी, नहीं वैसे आप भी बड़ी उस्ताद हैं।